हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ में एक ऐसे ड्रग के बारे में जिसका इन्वॉल्वमेंट काफी समय से रहा है। इन मोस्ट ऑफ द केस आपके घर में ये हमेशा पाया ही जाता है, जिसका नाम है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ये एक एग्जाम्पल है आपके NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के केस का। अगर आपने फार्मेसी करने से पहले ही पैरासिटामोल को लिया है तो अभी आप ये चीजों को अच्छे से जानते हैं कि ये जो पैरासिटामोल है इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी तरीके के फीवर की प्रॉब्लम होती है, जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर एलिवेट होता है। उस बढ़े हुए टेम्परेचर को वापस से नॉर्मल लेवल में लाने के लिए हम पैरासिटामोल टेबलेट को एज पर द प्रिस्क्रिप्शन और कभी कभी बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले लेते हैं। इन पैरासिटामोल को लेने के बाद आपने ये पाया है कि आपकी बॉडी से थोड़े से स्वेटिंग निकलने शुरू हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के बाद आपकी जो बॉडी का एलिवेटेड टेम्परेचर था वो नॉर्मल लेवल पे नीचे आते रहता है। तो ये पैरासिटामोल है क्या चीज? ये पैरासिटामोल है हमारा एंटी पायरेटिक ड्रग, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि पायरोजन की वजह से हमारे बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को वापस से रिस्टोर करके नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर के आते हैं। तो ये हमारे जो पायरोजन है वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों करते हैं? इनका जो एंट्री है पायरोजन का वो किसी भी मीडियम से हो सकता है, वाया किसी भी रूट से हो सकते हैं, और ये जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपके थर्मोरेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस में स्टोर होते हैं, उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब ये पायरोजन उस टेम्परेचर सेट पॉइंट को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को रिस्टोर या रीसेट करने का जो काम करते हैं वही हमारे एंटीबायोटिक ड्रग कहलाते हैं, और ये एंटीबायोटिक ड्रग हमारे NSAIDs का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और आज हम इस टॉपिक में इसी पैरासिटामोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस और उनके एक जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम केस में पैरासिटामोल का, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। आज का टॉपिक है NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और इसमें हम बात करने वाले हैं पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। एक इंपॉर्टेंट क्लास है NSAIDs का, और उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को ही हम कहते हैं एसिटामिनोफेन। तो ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ के जब एग्जाम हुए थे उस एग्जाम में पैरासिटामोल के बारे में ना पूछ करके एसिटामिनोफेन के नाम से उसके बारे में पूछा गया था। तो ये जो दो नाम है पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेमोराइज करने के लिए। अब ये जो पैरासिटामोल है या जो एसिटामिनोफेन है वो है क्या? ये है आपके फेनासिटीन का मेटाबोलाइट। फेनासिटीन क्या है? फेनासिटीन सबसे पहले इस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले ड्रग थे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में, जो आपके पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव है, इन क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। क्योंकि इनके साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा हुए, इनके जो मेटाबोलाइट है वो टॉक्सिक होने शुरू हो गए कुछ कंडीशंस में, अगर हम बात करते हैं पैरासिटामोल को छोड़कर की, तो इस कारण से इनका जो था वो इनका थेरापोटिक एक्टिविटी इन केस में यूज करने के लायक नहीं रहे, और इनको फिर धीरे धीरे यूज करना बंद कर दिया गया। लेकिन इनका जो मेटाबोलाइट है पैरासिटामोल आपके फेनासिटीन का, ये सेफ है अगर हम इनको थेरापोटिक डोज में यूज करते हैं तो इसलिए इस तरह से पैरासिटामोल को हम इस कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग मान सकते हैं। सो अगर हम बात करते हैं फेनासिटीन, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ड्रग ऑफ दिस क्लास, बट टॉक्सिसिटी की वजह से इनका यूज नहीं हुआ। ये जो हमारे एक्शन है पैरासिटामोल के वो क्या क्या है, एक बार एक लाइन में आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि जो NSAIDs है इनका पूरा नाम आपको समझाता है, दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ऐसे ड्रग हैं जो स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, ऐसे ड्रग हैं जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक की तरह भी काम करते हैं, इसलिए हैबिचुएशन कॉज नहीं करते। साथ साथ इनका जो यूज है वो बेसिकली तीन एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग उनके आसपास घूमता रहता है। ये एक्टिविटी है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। पिछले वीडियो में जब हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था तो आपने एक क्लास ऐसा भी देखा जिसके बारे में हमने बात किया कि कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं, कुछ NSAIDs के एग्जांपल ऐसे ही हैं जो कि आपके स्पेसिफिकली अच्छे एनाल्जेसिक
अच्छे एंटीबायोटिक होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन शो करते हैं। तो हमारा जो पैरासिटामोल है वो भी इसी तरीके की कैटेगरी के रिसेंबल करता है, यानी कि ये एनाल्जेसिक के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। ये काफी अच्छे एंटीबायोटिक ड्रग है लेकिन ये पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। तो आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले अगर हम इनके कुछ मेन इंपॉर्टेंट एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो एज यूजुअली दीज आर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक का मतलब है एक ऐसा ड्रग जो कि आपके पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट करता है। इसके पिछले वीडियो में भी हमने इसका डिटेल से बात किया है, आज रिपीट करेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा, तो हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से जो हमारा पैरासिटामोल है वो आपके स्मॉल तरीके के जो माइन्यूट पेन है, आपके स्केलेटल मसल्स के, बोन के, इस तरह के जो पेन है इनको कम करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये मेन तरीके से एंटीपायरेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी इनका मेन एक्शन है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी के रिलेशनशिप में अगर हम बात करते हैं, तो आपने पिछले वीडियोज में जो भी हमारे ऑटोकॉइड्स थे इनमें यह देखा है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह है उनका लोकेशन अलग अलग हो सकता है। तो कुछ हद तक जो हमारे कॉक्स हैं जो हमारे ब्रेन में भी पाए जाते हैं, ये जो ब्रेन के कॉक्स हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है इसके जो सेट पॉइंट है बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को इनको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां के अगर कॉक्स एक्टिवेट होते हैं तो वो उनको अल्टर कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। और इस तरह की एक्टिविटी तब होती है बेसिकली जब कोई पैरोजन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेड पार्ट किसी भी रूट से हमारी बॉडी में एंटर करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वो बेसिक केस में आपके पैरेंटल रूट से एंटर करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के जो सेट पॉइंट है थर्मल रेगुलेटरी सेंटर का इनको अल्टर करते हैं और वो एक फीवर यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को एलिवेट करते हैं। ऐसे ही केस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी कि उस बढ़े हुए टेम्परेचर के सेट पॉइंट को वापस से उनके रिस्टोर करने के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का इनको ठीक करके वापस लाने के लिए हम पैरासिटामोल को यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे, वेल एक्सेप्टेड एंटीबायोटिक ड्रग है और मोस्ट ऑफ द केस ये हर जगह पे इस फीवर के केस को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इनके डोज वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द केस जो पैरासिटामोल है इनका 500 mg के डोज में आते हैं, 650 mg के डोज में आते हैं और इसके बाद भी कुछ नए डोज आने की कुछ संभावना है मार्केट में। तो इनका जो बेसिक एक्सेप्टेबल डोज है वो लगभग लगभग 500 से लेकर के 650 mg के हिसाब से लिया जाता है। तो ये हो गए इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एंटीपायरेटिक एक्शन। इसके साथ-साथ आप देखेंगे तो हमने लिखा हुआ है कि ये वीक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करते हैं। सो इनका क्या कारण है कि ये वीक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करते हैं, जबकि ये एग्जांपल है एनएसएआईडी का जिसके नाम में ही एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन छिपा हुआ है। तो उसके पीछे का बेसिक रीजन भी हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो कारण ये है कि जिस भी साइट पे इंफ्लेमेशन होता है, नाउ व्हाट इज इंफ्लेमेशन, तो हमने इसके सेकंड पार्ट में भी पूरे के पूरे प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझाया है कि इंफ्लेमेशन है क्या, शुरू कैसे होता है और किन किन स्टेप को क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली ये जो है वो वापस से ठीक हो जाते हैं। तो उस स्पेस पे जो स्टेप्स हमने बताया, स्पेस मतलब हमारे एंडोथेलियल और आपके स्किन के बीनीथ जो प्रोसेस होते हैं, उसमें एक चीज साफ है कि जब कभी भी कोई आपके बॉडी में पंचर करने वाले एजेंट, चाहे वो कोई तरह का फिजिकल ट्रॉमा हो, कोई कट हो, इनके साथ साथ जब एंटीजन आते हैं तो हमारी बॉडी का जो बॉडीगार्ड सिस्टम है यानी कि हमारे WBC हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ग्रेन्युलोसाइट यानी कि आपके जो भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये बाहर एक्स्ट्रावासेशन के थ्रू पहुंचते हैं। इन पूरे केस में यानी कि मेन तरीके से अगर हम बात करें तो जिस जगह पे आपको चोट लगी है, जिस जगह पे इंफ्लेमेशन हो रहा है, उस जगह पे आप पाएंगे कि वो जगह पेरोक्साइड से रिच हो जाता है। पेरोक्साइड के बारे में आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, दिस इज द काइंड ऑफ एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। और आपको यह भी याद है जब हमने कॉक्स का पाथवे के बारे में बात किया था, तो कॉक्स के पाथवे में बेसिकली दो तरीके के कॉक्स होते हैं, या यूं कहूं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है ये दो कॉक्स के थ्रू मीडिएट होती है, COX-1 और COX-2। उसमें क्लियरली हमने यह मेंशन किया हुआ है कि जो COX-1 है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, ये आपकी बॉडी में यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट होता है एज सच, जबकि हमारे जो COX-2 हैं वो स्टिमुलेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर में। उन डिफरेंट फैक्टर में से एक फैक्टर ये भी था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो वो भी वहां पे इस रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह के COX-2 के बनने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। तो ये जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे पेरोक्साइड बनते हैं और ये जो पेरोक्साइड डेवलप होते हैं, या यूं कहूं कि ये पेरोक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, जनरेशन होता है, वो हमारे ल्यूकोसाइट की वजह से होता है। तो सपोज जिस भी जगह पे
आपके इस तरह की इंफ्लामेशन की जो प्रोसेस है, इंफ्लामेटरी जो कैस्केड है वो स्टार्ट होते हैं, तो वहां पे पेरोक्साइड बाय ल्यूकोसाइट बनेगा। अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या कहता है, जिस जगह पे ये आपके पेरोक्साइड होंगे प्रेजेंट, यानी कि जिस जगह पे इंफ्लामेशन होगा, तो इस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमारा जो पैरासिटामोल है, जिसे हमने शॉर्ट में पीसीएम लिखा हुआ है, तो ये पैरासिटामोल वहां पे आपके जो कॉक्स है इनको पूरी तरह से अच्छे इफेक्टिवली तरीके से इनहिबिट नहीं कर पाता, या यूं कहूं कि उस जगह पे जिस जगह पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है, यहां पे जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पाथवे है यानी कि कॉक्स है, इनको हमारा जो पैरासिटामोल है एक पुअर तरीके से इनहिबिट करता है, तो इसके कारण से जो कॉक्स बनेगा वो इनहिबिट नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से, और जब कॉक्स अच्छे से इनहिबिट नहीं हो पाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के प्रोसेस को भी ये पूरी तरह से एफिशिएंटली इनहिबिट नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जो हमारे पैरासिटामोल है वो एक अच्छे एनाल्जेसिक और काफी अच्छे एंटीपायरेटिक, लेकिन एक पुअर एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। कारण एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड व्हिच इज बीइंग जनरेटेड बाय ल्यूकोसाइट, तो ये इनका एक मेन कारण हुआ। अगला जो कंडीशन है पैरासिटामोल के बारे में वो है कि पैरासिटामोल इज एक्टिव इन कॉक्स इन ब्रेन, जैसा हमने बात किया, ये जो कॉक्स है साइक्लोऑक्सीजनेस है वो हमारे ब्रेन में एक्टिव होते हैं, सो पैरासिटामोल इज एक्टिव एट, कह लीजिए एक्टिव एट कॉक्स इन ब्रेन, और इसकी वजह से इनका जो अकाउंट्स है या इनका जो यूज है बेसिकली वो एज अ एंटीपायरेटिक एक्शन में यूज किए जाते हैं। ये जो ब्रेन है यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट जो कंट्रोलिंग सिस्टम है टेम्परेचर का, वो हाइपोथैलेमस है, तो वहां पे ये पाए जाएंगे, जिसकी वजह से ये आगे जाकर के इसी सेट पॉइंट को रीसेट रिस्टोर करके हमारे बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं, इनको ठीक करने का काम करते हैं। अगला है कि ये किस किस तरह के एक्शन को नहीं देते हैं, ये भी पॉइंट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो इस लाइन को मैं अंडरलाइन करता हूं, नो एक्शन ऑन, क्योंकि इसके पहले जब हमने बात किया था एक और एनएसएडी सलिसिलिक के डिग्री के ड्रग का, तब हमने बात किया था कि ये कि ये जो कैटेगरी का ड्रग है सलिसिलिक कैटेगरी का ड्रग है वो बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, जो कि आपके रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं। प्लेटलेट पे इनका एक्शन आपने देखा, जीआईटी में किस तरह के जो इरिटेशन कॉज करते हैं उनके एक्शन को देखिए, लेकिन जो हमारे आज का ड्रग है पैरासिटामोल, इनका कोई एक्शन नहीं होता है रेस्पिरेशन पे, यानी कि ये कोई रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम नहीं करते हैं। ये एसिड बेस बैलेंस को भी रेगुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि जो सलिसिलेट है बेसिकली एसिडोसिस और अल्कलोसिस को कंपनसेटरी और नॉन कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट करके पीएच को नॉर्मल लेवल पे लेकर के आते थे, बट पैरासिटामोल के साथ ये ऐसी एबिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी कोई इफेक्ट नहीं है ज्यादातर, इनका जो जीआईटी है इन पे भी ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, ये प्लेटलेट के साथ भी कोई उसका रिस्पांसिबल एक्टिविटी नहीं शो करते हैं, क्योंकि पीछे वीडियो में उन्होंने बात किया था एस्पिरिन के बारे में, तब आपने ये देखा था कि एस्पिरिन आपके प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है और आपका जो ब्लीडिंग टाइम आपका जो क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ता है, इसका मतलब है कि क्लॉटिंग जल्दी से प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो ये केस आपने पिछले वीडियो में एस्पिरिन के साथ देखा था, जो कि एप्लीकेबल नहीं है पैरासिटामोल के साथ साथ। वैसा ही जो हमारा यूरिक एसिड के बनने के प्रोसेस में हमने देखा पिछले वीडियो, रिस्पॉन्सिबल था हमारा जो कैटेगरी था सैलिसिलेट के, वो इसके साथ यानी कि पैरासिटामोल के साथ भी एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन है जो पैरासिटामोल के थ्रू मीडिएट नहीं होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि दीज आर मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रोसोमल एंजाइम। नाउ जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी कहता है कि जो पैरासिटामोल का मेटाबॉलिज्म है बेसिकली होगा तो वो लिवर में हेपेटिक साइट्स में होंगे, तो ये जो लिवर में प्रेजेंट है माइक्रोसोमल एंजाइम, इनके थ्रू हमारे पैरासिटामोल का मेटाबॉलिज्म होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। जो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है इसके थ्रू हमारे पैरासिटामोल का मेटाबॉलिज्म होगा, और इसमें ये जो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन है इसका जो रोल है वो लगभग 60% के अकाउंट से अकाउंट करता है, इंपॉर्टेंट काम करता है 60%, तो इसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट भी होंगे वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जब ये ड्रग मेटाबोलाइट होते हैं, इनके मेटाबोलाइट जो स्टोर होते हैं वो आखिर में जाकर के आपके लीवर की टॉक्सिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही कारण है कि आपने अक्सर ये पढ़ा होगा कि अगर हम पैरासिटामोल के डोज को इंक्रीज करते हैं थेरेप्यूटिक लेवल से ज्यादा लेकर के जाते हैं, जिसकी वैल्यू हमने यहां पे मेंशन की है आगे देखेंगे, तो ये एक लीवर टॉक्सिक का काम करता है। और जितने भी ऐसे ड्रग के मॉडल हैं जो कि आपके लीवर की टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए
जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, उस केस में हम पैरासिटामोल को एज अ टॉक्सिसिटी मॉडल यूज करते हैं। तो जितने भी रिसर्च है जो कि आपके हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग के हिसाब से होते हैं, तो उसमें जो लीवर को डैमेज करने के लिए या तो हम पैरासिटामोल या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेसिक तरीके से यूज करते हैं, बिकॉज पैरासिटामोल के पास ये एबिलिटी है कि ओवरडोज पे ये कि आपकी लीवर की टॉक्सिसिटी कॉज कर सके। So, हम बात करते हैं इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो जो पहला एडवर्स इफेक्ट है कि अट एंटीपायरेटिक डोज, जो एक स्पेसिफिक 500 mg 650 mg का जो डोज है एंटीपायरेटिक एक्शन के हिसाब से, इस डोज में यह पैरासिटामोल सेफ कंसीडर किया गया है, और लार्ज डोज जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे उस लार्ज डोज पे इनको टॉक्सिक ड्रग की कैटेगरी के अंदर रखा गया है जो कि आपके लीवर को डैमेज कर सकते हैं। इनके अगर हम बात करते हैं चाइल्ड के केस में, तो चिल्ड्रन के लिए ये कंपैरेटिवली ससेप्टिबली सेफ नहीं माने गए हैं। सो दिस आर चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टिबल फॉर प्रॉब्लम associated with the paracetamol। तो जो paracetamol को अगर हम children को देते हैं तो उनके में toxicity ज्यादा जल्दी develop होने की possibilities है। अगर हम बात करते हैं कि reason की, तो reason साफ है, low conjugate ability of paracetamol in macrosomal enzyme, जिनकी वजह से वो आगे जाकर के non-toxic में convert हो सकते थे, तो वो आपके चिल्ड्रन में डेवलप नहीं है, लो लेवल में है, इसीलिए ये चिल्ड्रन के लिए ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके बारे में हम रिपीट कर रहे हैं कि टॉक्सिक डोज है क्या। तो एज पर द रेफरेंस ऑफ पद्मजा उदय कुमार एंड के डी त्रिपाठी, द बेसिक टॉक्सिक डोज इज 10-15 ग्राम फॉर एडल्ट। जो पैरासिटामोल है ये इसका 10-15 ग्राम अगर वो लेते हैं तो वो टॉक्सिक डोज के अंदर कंसिडर किए गए हैं। और इनके जो बेसिक सिम्टम है वह है नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और आगे जाकर के अगर ये लंबे समय तक चला तो लीवर को डैमेज करने की भी पॉसिबिलिटीज ये रखते हैं। साथ साथ आप बात करेंगे तो जैसे हमने रिपीट किया, इट इज अ हिपेटोटॉक्सिक कैटेगरी ड्रग, ये जो ड्रग है वो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। रीजन क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो ये इंक्रीज करते हैं आपके सीरम ट्रांस अमिनेज को और फिर जॉइंटिस को, और इसी तरह से जो भी लीवर के फंक्शन है इनको अफेक्ट करते हैं। यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक टॉपअप और करना चाहूंगा कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन एम फार्मा में है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए अगर हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग के ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहले उनको एक्सपेरिमेंटल मॉडल को सेलेक्ट करना होता है। उस एक्सपेरिमेंटल मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट इवेल्युएशन पैरामीटर के अकॉर्डिंगली, मॉडल के अकॉर्डिंगली लीवर को डैमेज करना होता है। उस केस में वो पैरासिटामोल को यूज करते हैं, अल्कोहल को यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी यूज कर सकते हैं, और कुछ भी मॉडल है एनएसएआईडी के ही उनको यूज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब ये अपने स्पेसिफिक ड्रग का कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड ड्रग को यूज करते हैं, तब ये पाते हैं कि उनका जो ड्रग है या तो इफेक्टिव नहीं है। तो ये जो कंपेरिजन है उनमें से एसजीपीटी एसजीओटी तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ही, साथ साथ जो सीरम ग्लूटामेट है ये भी एक उनके लिए पैरामीटर का काम करता है कंपेयर करने के लिए। तो हम अगर बात करते हैं तो टॉक्सिक डोज जो कि 15 ग्राम तक हो सकता है, इसकी वजह से ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और हम हिपेटोटॉक्सिसिटी का कारण देखते हैं तो वही है कि इसकी वजह से सीरम जो ट्रांसअमिनेज है इनका लेवल बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके मैकेनिज्म की पैरासिटामोल कैसे टॉक्सिक का इफेक्ट शो करते हैं, कैसे ये लीवर को डैमेज करते हैं, तो सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, ये भी आपको रेफरेंस पद्मजा उदय कुमार की बुक से देखने को मिल जाएगा, जिसे हमने एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू हटा करके एक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके लिए प्रेजेंट किया है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में समझने में आसानी हो सके। अगर हम इस पैरासिटामोल का स्मॉल डोज लेते हैं, एक नेचुरल एक प्रिस्क्रिप्शन डोज में लेते हैं, तो इनका जो मेटाबोलिज्म होगा, एम स्टैंड फॉर मेटाबोलिज्म, ये होगा एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमीन में। ये जो कॉन्जुगेशन होगा, मतलब इनका जो मेटाबॉलिज्म होगा, वो आगे जाकर के कॉन्जुगेट होंगे एन ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट होंगे और फिर ये डिटॉक्सिफाइड हो जाएंगे। डिटॉक्सिफाइड होना ये इस बात का भी इंपॉर्टेंट है कि अब ये हमारे बॉडी में ज्यादा कोई अनवांटेड इफेक्ट शो नहीं करेंगे। बिकॉज आपने अगर पिछले सेमेस्टर में इस मेटाबॉलिज्म का मतलब समझा होगा तो मेटाबॉलिज्म के कई कॉन्सिक्वेंस थे। उस कॉन्सिक्वेंस में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कन्वर्जन ऑफ एक्टिव ड्रग इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, दूसरा था इनएक्टिव मेटाबोलाइट टू एक्टिव मेटाबोलाइट, तीसरा था कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक। तो उनमें से आज हमारा ये तीसरा पॉइंट है, टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक में कन्वर्जन करना भी मेटाबॉलिक का एक पाथवे है, एक फेज है, एक कॉन्सिक्वेंस है, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन प्रोसेस है। तो यहां पे इस तरह से जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन ये जब हमने बात किया वो एक थेरेप्यूटिक डोज के अंदर में है, क्या होगा अगर हम इसके डोज को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से लीवर का डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो अगर हम पैरासिटामोल का यहां पे लार्ज डोज लेते हैं तो ये हिपेटिक आपके जो ग्लूटाथियोन है ये डिप्लेट हो जाएंगे
हेपेटिक ग्लूटाथियोन यहां पे आपने देखा वो डिप्लेट हो जाएंगे और इनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा उसमें ये टॉक्सिक बनेंगे और टॉक्सिक बनने के कारण से ये आगे जाकर के बाइंड होंगे हमारे सल्फाइड्राइल ग्रुप से। तो ये जब सल्फाइड्राइल ग्रुप से बाइंड होंगे तो यही है एक मेन कारण जिसकी वजह से वो आगे जाकर के हेपेटिक नेक्रोसिस का कारण बनेंगे। नेक्रोसिस इसमें सिंपली सेल डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पैरासिटामोल है इस प्रोसेस को डिप्लेट करके कि जो यानी कि टॉक्सिसिटी को लेस टॉक्सिसिटी में बदलने का जो प्रोसेस था मेटाबॉलिज्म का इसको अफेक्ट करके आपके लिए एक टॉक्सिसिटी हेपेटिक नेक्रोसिस का कारण बन सकता है। सो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ते हुए डिस्कस किया डील किया एनएसएआईडी की दूसरी क्लासिफिकेशन जिसका नाम था पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव यानी कि आपका पैरासिटामोल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो और भी क्लास है जो कि इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को हम आगे आने वाले समय में डील करेंगे कुछ और पार्ट के फॉर्म में। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एनएसएआईडी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इंपॉर्टेंट क्लास है इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके यूजुअल थोड़े से ज्यादा पार्ट बढ़ने की संभावना है क्योंकि कितने को मिस करेंगे ये हम नहीं चाहते हैं स्किप करना मिस करना इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। तो आपसे पेशेंस की उम्मीद रखता हूं और आपके सपोर्ट की भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सो एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस टॉपिक का जो रेफरेंस है जैसा मैंने रिपीट किया ये है पद्मदा उदय कुमार और कुछ हद तक हमने इसे केडी त्रिपाठी और आपका जो टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी है बाय पी जगदीश प्रसाद इन तीनों की बुक को मिलाकर के लिया है पर वेटेज है पद्मजा उदय कुमार। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अब आप थोड़ी देर में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन फार्मेसी उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी सारे एडवांटेज है हर एक चीज वीडियो पैराग्राफ नोट्स पावर पॉइंट पीडीएफ प्रेजेंटेशन सारी चीजें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उनमें काफी कुछ नोट्स भी होंगे और यूजुअल जो बेसिक जानकारियां हैं एमसीक्यूज हैं पूरे फ्री हैं आपके लिए काफी सारे एमसीक्यूज का जो पीडीएफ है विद द रेस्पेक्टिव आंसर जस्टिफिकेशन इमेज ये भी आप फ्री में ले सकते हैं। अगेन एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।